स्पेक्ट्रम की बुक से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 का Part-4 देखेंगे जिसमें हम समाज सुधारकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम गोपाल हरि देशमुख के बारे में पढ़ेंगे। गोपाल हरि देशमुख का जीवन काल जो था वो 1823 से 1892 तक का था और ये एक समाज सुधारक थे जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में फेमस थे, मेनली गुजरात के थे। और इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, जो कि एक जज थे ब्रिटिश राज में। और ये हमेशा लिखा करते थे, चाहते थे कि जो भी नवयुवक हैं समाज में वो लिखने पढ़ने से जुड़ें और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाएं, इसलिए ये हमेशा लिखते थे। और इन्होंने एक वीकली चलाया था जिसका नाम था प्रभाकर, और उसमें लोक हितवादी के नाम से ये लिखते थे सोशल इशूज के बारे में और हिंदू धर्म के रिफॉर्म के बारे में लिखा करते थे, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और इनके लिखने की स्टाइल जो थी वो बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर कोई रिलीजन जो है वो सोशल रिफॉर्म नहीं चाहता है, समय के साथ बदलना नहीं चाहता है, तो उस रिलीजन को चेंज कर देना चाहिए। तो इस टाइप के जो रिवॉल्यूशनरी इनके थॉट्स थे, इसकी वजह से ये यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। फिर ये हितेचु और ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश में भी लिखा करते थे, और ये पत्रिकाएं थी ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और हितेचु, जो कि वीकली पब्लिश्ड होती थी। आगे गोपाल गणेश अगरकर के बारे में देखते हैं, जिनका जीवन काल 1856 से 1895 है, और ये एक समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के, जो कि एजुकेशनिस्ट भी थे। और इनका ये कहना था कि ये ब्लाइंड जो भी ट्रेडिशन है, जो भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेज हैं, उस पर ब्लाइंडली किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो पास्ट का ग्लोरिफिकेशन होता है, जैसे कि जब भी ब्रिटिश राज था तो हिस्टोरियंस जो थे, इंडियन हिस्टोरियंस, वो पास्ट के बारे में लिखने लगे थे कि हमारे देश में पास्ट में भारत जो था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो इस टाइप के ग्लोरिफिकेशंस के ये खिलाफ थे, क्योंकि इनको लगता था कि कुछ भी पास्ट में नहीं है, जो भी है वो प्रेजेंट में, और हम समाज हमेशा आगे की ओर बढ़ ही रहा है, पीछे हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो हम उसका ग्लोरिफिकेशन करें और कहें कि भारत एक चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी। इसके अलावा ये वेस्टर्न थॉट्स से प्रभावित थे और चाहते थे कि मासेज जो हैं इंडिया के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेस्टर्न एजुकेशन को पाएं। इसके लिए ये न्यू इंग्लिश स्कूल के को फाउंडर होते हैं, दिक्कन एजुकेशन सोसाइटी में भी रोल निभाते हैं और फर्गूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर ये लोकमान्य तिलक के साथ मिल के, जो लोकमान्य तिलक का जर्नल था केसरी, उसके फर्स्ट एडिटर बनते हैं और उसमें लिखते हैं। फिर इन्होंने अपना खुद का एक पीरियोडिकल चलाया था जिसका नाम था सुधारक, और वो उसमें अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ ज़्यादा लिखते थे और बताते थे कि ये प्रैक्टिस जो है अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम कितना गलत है और हमारे जो समाज का जो इम्प्रेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत ख़राब पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने ही लोगों के साथ ख़राब बिहेव कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स क्या हमारे साथ बिहेव ख़राब करेंगे, हम अपने ही लोगों के लिए दुश्मन बने हुए हैं। तो इस टाइप के विचार थे गोपाल गणेश अगरकर के। आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो एमजी रनाडक के साथ मिल के बनाते हैं, और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए थे और प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जो इनका ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है वो किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों में लिप्त होए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते थे कि जो भटक गए हैं लोग, जो अपने मकसद को नहीं जानते हैं, जो समाज में एकदम से भटके हुए लोग हैं, वो मिशनरी वर्क में लगे हैं और भारत को मिशनरी वर्क
दे के इसकी सेवा करें एक टाइप से, और जो भी करें वो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के अंडर में करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था भारत के लिए उसके अंडर में ही रह के कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें। तो ये नरम दल के नेता थे और ये सारा चीज़ जो भी चाहते थे वो नरमी से ही करना चाहते थे और रिफॉर्म करना चाहते थे, ना कि बेफिजूल का पॉलिटिक्स करके और चीज़ों को और ख़राब करना, इनका ये मकसद नहीं था। तो फिर ये चाहते थे कि जो इनके वर्कर्स हैं उनके अंदर सेल्फलेस सर्विस देने की वो टेंडेंसी, सेल्फलेस की सर्विस देने की प्रेरणा जागृत करें और अपने देश के लिए अपने समाज के लिए रिलीजन से उठ के सेवा करें। तो इस टाइप से ये इनका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था वो वर्क करता है। और 1911 में ये जो है हितवाद नाम का एक पब्लिकेशन भी पब्लिश करने लगते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपने विचार समाज को देख के जो भी विचार जनरेट होते थे उसको लोगों में प्रस्तुत करते थे। और फिर ये मर जाते हैं और 1915 में श्रीनिवास शास्त्री जो हैं वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनते हैं। और इनके जाने के बाद से ये जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है और एक तरह से कहें तो उसका बेस कमज़ोर हो जाता है। आगे सोशल सर्विस लीग है जो गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोअर्स थे, जिसमें थे नारायण मल्हार जोशी, जो ये फोटोग्राफ है वो नारायण मल्हार जोशी का है। इन्होंने सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में स्थापित की थी ताकि ये जो मासेज हैं, जो कॉमन लोग हैं भारत के, उनकी लाइफ को अच्छा बना सकें, उनमें अच्छा एजुकेशन डाल सकें, उनमें हाइजीन की समझ डाल सकें, उनमें मेडिकल की समझ डाल सकें, हेल्थ जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में जानकारी दे सकें। तो एक टाइप से ये जानकारी देने के लिए ही था, इसलिए ये बहुत सारे स्कूलों से जुड़ा, लाइब्रेरी खोला, रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को लोग पढ़ें और अपने विचार डेवलप करें। फिर ये नर्सरीज वगैरह भी खोले ताकि जो नवयुवक हैं वो जान सके कि हाइजीन की क्या महत्वता है जीवन में और डिसिप्लिन की क्या महत्वता है। फिर जो नारायण मल्हार जोशी थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी संस्थापक थे, जो कि 1920 में स्थापित होता है। आगे रामकृष्ण मूवमेंट है और स्वामी विवेकानंद हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, जब ब्रह्म समाज जो था वो वेस्टर्न थॉट्स से की ओर बढ़ गया था और रेशनैलिटी को प्रमोट कर रहा था और कह रहा था कि जो भी ऑर्थोडॉक्सी हिंदू समाज है उसमें गलत प्रैक्टिसेज हैं, उसको हमको रेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका इवोल्यूशन ज़रूरी है और हमको अंधविश्वास में उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक मेथडोलॉजी का यूज करके उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो ब्रह्म समाज जो था वो वेदांता का समर्थक था और कहता था कि जो भी रेशनैलिटी है वो वेदांता में है और वेदांता से ही जीवन को चलाना चाहिए। उसी समय जो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका जीवन काल 1836 से 1886 तक का था, उन्होंने कहा कि जीवन जीने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है भक्ति और योगा, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो थे एक टाइप से समाज सुधारक कहें या एक टाइप से कहें धर्म गुरु थे, जो कि धार्मिक चीज़ों पे केंद्रित हो के सॉल्वेशन की बात करते थे। और ये जो इनका जो मत था वो स्वामी विवेकानंद जो कि इनके शिष्य थे, इनके मरने के बाद से इनके विचारों को प्रोपेगेट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो जब रामकृष्ण की डेथ हो जाती है तो स्वामी विवेकानंद जो हैं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो था वो
बेलूर में था, जो कि कलकत्ता के पास है। और इनकी फिलॉसफी यह थी कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, बौद्ध जो भी हो, सब में जो भी भगवान बताए गए हैं सब एक ही भगवान है, और वन गॉड फिलॉसफी इनका था। और साल्वेशन जो था वो भक्ति और योगा करके पाना चाहते थे। इनको लगता था कि जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का समय चल रहा है, ये बहुत ही ख़राब समय है, और हमको भक्ति काल में ही चला जाना चाहिए, और भगवान की भक्ति से ही सब चीज़ संभव है। और बाद में ये एक महिला शारदा मणि मुखर्जी से विवाह करते हैं, जिनको बाद में शारदा देवी कहते हैं। और फिर ये भी शारदा देवी जो थी वो इनके मठ से जुड़ी रहती थी। आगे स्वामी विवेकानंद हैं, जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका जीवन काल था 1862 से 1902 तक। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के जो भी मैसेज थे उसको वो फैलाना चाहते थे और फैलाए भी। तो इनके हिसाब से ये था, भक्ति और योगा तो ज़रूरी ही है, साथ में जो भी नौ यंग लोग हैं उनके में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और स्वामी विवेकानंद अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत फेमस हैं, लोग कहते हैं बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे। फिर इनके हिसाब से भी, स्वामी विवेकानंद के हिसाब से भी, वेदांता जो है वो पूरी तरीके से रैशनल सिस्टम है और सब चीज़ वेदांता पे ही बेस्ड होना चाहिए। इनके हिसाब से ये था कि अगर कोई क्रिश्चियन है वो भी अगर वेदांता पढ़ता है तो वो बेटर क्रिश्चियन बन जाएगा, और अगर कोई हिंदू है तो वो वेदांता पढ़ता है तो एक बेटर हिंदू बन जाएगा, और अगर एक कोई बुद्धिस्ट है और वो वेदांता पढ़ के उसको फॉलो करता है तो बेटर बुद्धिस्ट हो जाएगा। तो जितने भी चीज़ें, जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें प्लस वेदांता कर देंगे, वेदांता पढ़ लेंगे और वेदांता फॉलो करेंगे तो वो बेटर रिलीजन हो जाएगा, इनका मत ये था। और इसके लिए ये जो इनका मत था और रामकृष्ण का जो भी मैसेज था उसको पूरे वर्ल्ड पे प्रचार करने के लिए 1893 में ये एक रिलीजियस पार्लियामेंट हेल्ड होती है शिकागो में, वहाँ पे भाषण देते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। फिर ये बहुत सारे लेक्चर देते हैं वेदांता पे USA में और लंदन में 1897 तक। फिर आगे, थैंक यू।